जी अस्सलाम वालेकुम, ये फोकस लाइन चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, जिसने पीडीएम की तमाम जमातों के होश उड़ा दिए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ख़ुद ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फ़ैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जमान के मुताबिक कौमी असम्बली के 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 25 सितंबर को होगी। तर्जमान ने मज़ीद बताया कि कागजात नामजदगी 10 अगस्त से 13 अगस्त तक जमा करवाए जा सकते हैं, जिनकी जांच पड़ताल 17 अगस्त को की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के तर्जमान ने मज़ीद बताया कि ये ज़िमनी इंतखाब NA 22 मर्दान 3, NA 24 चारसद्दा 2, NA 31 पिशावर 5, NA 45 कुरम 1, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना साहब 2 में होगा। इलेक्शन कमीशन के तर्जमान ने यह भी बताया कि ज़िमनी इंतखाब कराची के कौमी असम्बली के हलका NA 237 मलीर 2, NA 239 कुरंगी कराची और NA 246 कराची जनूबी 1 में होगा।